वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल सी बीच ऑफ कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश। तो अभी मैं जा रहा हूँ समुंदर में नहाने के लिए, तो गाइस लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों एटलस मैं पहुंच गया हूं कॉक्स बाजार सी बीच में, और ये जो सी बीच पास था, एक्चुअली मैं आया हूं लोकल सीएनजी से, मुझको उस तरफ एक जो मोड़ है वहां पर मुझको उतर दिया गया है, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है, और ऑलरेडी मैं पहुंच गया हूं। दिस इज़ द सी बीच, दुनिया का सबसे बड़ा सी बीच है कॉक्स बाजार, और रास्ते पे देख सकते हो दोनों तरफ बहुत सारे शॉप्स है फॉर द टूरिस्ट। सो दोस्तों एज यू कैन सी दैट मैं पहुंच गया इन द सैंड बीच ऑफ कॉक्स बाजार, और ये है जस्ट देखिए चारों तरफ, दिस जस्ट लुक एट माई होल सराउंडिंग, दिस इज द ह्यूज गैदरिंग ऑफ पीपल। यहाँ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नीचे देखिए मिट्टी नहीं है, पूरा एक यू नो बाली है। जस्ट देखिए, जस्ट लुक एट द एम्बियंस, दिस इज द कॉक्स बाजार सी बीच, दुनिया का सबसे बड़ा सी बीच है। माय गुडनेस, जहाँ तक आप देखोगे, अब देखो जस्ट लुक एट यहाँ, जहाँ तक आपका आँख जाता है सी बीच, इधर देखिए जहाँ पर आपका नजर जाएगा, यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल सी बीच ओवर हियर। शौकीन हो तो ये सब वाटर बाइक्स कैन मेक योर डे सो मच एडवेंचरस। ठीक है, वंस आई वेंट टू गोवा एंड देन ट्रस्ट मी आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ वाटर बाइक राइड, एंड बिलीव मी द थ्रिलिंग वॉज अनबिलीवेबल। एंड द सेम थिंग, द सेम टाइप ऑफ जस्ट लाइक वाटर स्पोर्ट्स बाइक्स आर अवेलेबल इन दिस कॉक्स बाजार सी बीच। एक्चुअली मुझे स्विमिंग ज़्यादा नहीं आता है, आई एम नॉट गुड इन स्विमिंग, बट आपको भी स्विमिंग नहीं आता, बट अगर पानी में अगर जाना चाहते हो तो द सेफ्टी एंड यू वॉन्ट टू मेक द फन, तो आप मदद ले सकते हो ऑफ ऑल दिस ट्यूब्स। इस ट्यूब्स में ऊपर आप बैठ जाओ, लेट जाओ, ठीक है, आप जस्ट लाइक टेंट में रहोगे, यू विल फ्लोटिंग। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेंट में दिया जा रहा है ऑल दिस ट्यूब्स ओवर हियर, आप भी ट्यूब्स ले सकते हो पेइंग समथिंग, और जस्ट लाइक पानी का ज़बरदस्त मज़ा आप ले सकते हो। तो अभी दोस्तों मैं और तरुण भाई ने भाड़े में ले लिया ये पूरा बेट को, एक घंटा 30 बांग्लादेश टाका, 1 hour 30 बांग्लादेश रुपीस। ठीक है यार, यहाँ पर बैठकर आप पूरा सी बीच का व्यू देख सकते हो, और हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे नट्स थोड़ा सा दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए वी आर हैविंग द नट्स, बादाम खा रहे हैं। तो कॉक्स बाजार सी बीच में आके 30 रुपये देकर ऐसे बेड पर सोते हुए चिप्स नट्स खाते हुए सी बीच का मज़ा लेने का जो एक्सपीरियंस है, बिलीव मी दैट इज़ जस्ट ऑसम। सो दोस्तों अगर आप कॉक्स बाजार में आ रहे हैं तो ये सब एडवेंचर तो बनता ही है, बट बिलीव मी ये बहुत ही इकोनॉमिकल एक बजट फ्रेंडली सी बीच वैकेशन है। तो बांग्लादेश में अगर आ रहे तो आपको तो कॉक्स बाजार आना ही है। दोस्तों कॉक्स बाजार आने के बाद अगर नहीं रहा है तो एक्चुअली ये ब्लॉगिंग का इंसल्ट है, एज अ ह्यूमन कॉक्स बाजार का इंसल्ट है। तो मैं कॉक्स बाजार को मेरे ब्लॉगिंग का इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ समुंदर में नहाने के लिए, तो गाइस लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों एक राउंड मेरा नहाना हो गया है और दूसरे राउंड में लिए जा रहा हूँ फिर आप लोगों के साथ। ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकूँगा क्योंकि कैमरा है, माय कैमरा इज़ नॉट द वाटर प्रूफ। सो ऐसे ही एक्चुअली एक दिन का अगर शुरुआत ऐसे हो, एक्चुअली सुबह उठो उसके बाद आप झिड़क लिए आ जाओ समुंदर में, बिलीव मी आपका तो दिन कमाल का है। तो एक्चुअली कॉक्स बाजार आने का प्लान तो बहुत दिन से था, बट कुछ होता है ना, अगर टाइम नहीं होगा, अगर ऊपर वाले नहीं चाहेगा तो यू कांट कम भैया। तो देखो जस्ट लाइक अभी लास्ट आधे घंटे 40 मिनट से राणा पूरा भीग चुका हूँ, बट हैविंग ग्रेट फन। सी मैं नहीं हूँ यहाँ पर, देखो लाखों लोग यहाँ पर, दे आर टेकिंग द बर्थ ऑफ दिस ब्यूटीफुल सी बीच ऑफ कॉक्स बाजार। सो अगर बांग्लादेश का कोई दोस्त देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, बिकॉज इंडिया से, क्योंकि
इंडिया से इतना दूर आया हूँ कॉक्स बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर कोई बांग्लादेश का दोस्त, मेरे भाई अगर कोई देख रहे हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बांग्लादेश सीरीज का बहुत ज़्यादा वीडियो मैं भी इस बार में ले आ रहा हूँ, बिकॉज लिमिटेड टाइम है, 10 से 12 दिन के लिए मैं बांग्लादेश आया हूँ। इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल ऑफ दिस ब्यूटिफुल कंट्री। होटल में जाते जाते थोड़ा मैं आपको खर्चे का इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट द कॉक्स बाजार। देखिए एक्चुअली कॉक्स बाजार आना कैसे आ सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ढाका से इंजीनियर लोग आते हैं, बट दूसरे भी जगह से डायरेक्टली बस मिलता है। बस एसी होता है, नॉन एसी होता है। आपका एसी बस लगभग 400 में मिल जाता है, मेरा लगा 400। नॉन एसी लोगे 5,000 रुपये कम भी आपको लग सकता है, तो वहाँ पर 300-350 में आपको मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ जाता है। अगर आप होटल के बारे में सोच रहे हो, देखो होटल आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। मेरा जो होटल का भाड़ा पड़ा दैट इज़ इंडियन करेंसी में 700 और बांग्लादेश करेंसी में पड़ा दैट इज़ 827 टाका इन बांग्लादेश करेंसी। एक्चुअली क्या होता है होटल, आप अगर थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा है, आप ज़्यादा भी होटल आप ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो होटल के बिहार। होटल के पीछे 2,000-3,000 का भी होटल है। मैं बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ, 700-800 रुपये से होटल का यहाँ पर रेट चार्ज होता है। बट अगर आप सीज़न में ज़्यादा आओगे तो भाड़ा ज़्यादा पड़ता है, अगर नॉन सीज़न में आओगे तो भाड़ा थोड़ा सा कम पड़ता है। खाना यहाँ पर सस्ता है, दैट इज़ इकोनॉमिकल। खाने में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा मेरे गाइस। दोस्तों आप 50 रुपये से 100 रुपये तक आपको भरपेट आपको खाना मिल जाएगा, जो भी आप खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आपको 40-50 रुपये में तो एक थाली इन जनरल मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक बेसिक आइडिया। अबाउट दो दिन के लिए आप कॉक्स बाजार आना चाहते हो, सोच लो दो दिन का आपका रहने का खर्चा बड़ा 1,500 से 2,000। अगर मेरे तरह का बजट ट्रैवलर हो और अगर आप फूडिंग के 500 पकड़ के चलो, 500 से 600 फूडिंग के लिए और आने जाने के लिए 1,000 रुपये। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द बेसिक एक्सपेंडिचर अबाउट द कॉक्स बाजार। अगर आप सारा लग्जरी वे पे आप ट्रैवल करना चाहते हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, ऑल अबाउट यू। बट मैं ये एकदम बेसिक इकोनॉमिकल ट्रैवल की एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ पैसे बचाते हुए एज अ बजट ट्रैवलर। सबसे गाइस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉक्स बाजार विल हेल्प यू टू मेक योर प्लान फॉर दिस ब्यूटिफुल बीच। इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑफकोर्स ये वीडियो तो मेरे इंडियन दोस्तों के लिए है और also for the Bangladeshi friends, those will are planning to come in Coxs Bazar se beach. Video ka acha laga to like kar dijiye, channel ko subscribe kar dijiye aur bilkul doston ke sath share karna mat bhuliyega. Ye dekhiye charon taraf you will find lot of water bikes, adventurous water bikes. Hum log Hindi movie dekhte hain, Akshay Kumar Salman Khan chalate hai boom boom karke, aise water bike ka bhi adventure yahan par hai. So finally, see you in the next exciting episode and alvida karke main ja raha hu from the Coxs Bazar. I'm so happy.